संतु जी, आप कहाँ, कैसे लाल कहाँ है संतु जी? क्या हो गया? आई ड्रॉप ला दे, एम्बुलेंस बुला दे, डॉक्टर। संतु जी इमोशनल हो रही है, इनको आई ड्रॉप की नहीं इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अरे संतु जी क्या हुआ आपको? डैडी। क्यों, क्या हुआ? डैडी से कोई लड़ाई वड़ाई हुई क्या संतु जी? मैं खुशी की डैडी की बात कर रही हूँ। ऐसे किसी की भी डैडी को उदास नहीं देख सकती। कितना भावुक सा, नाजुक सा, कोमल सा दिल है आपका संतु जी, ना मतलब किसी का दर्द देख ही नहीं कि बस ओवर फ्लो। इस मामले में ना हम भी आपके जैसा है, हम भी ना आपको बिल्कुल उदास नहीं देख सकते संतु जी। अब आप बस देखिए कैसे हम अंकल का मूड ठीक कर देते हैं। तू रहने दे, वैसे अंकल का मूड खराब है, अपनी मनहूस सी शक्ल देख के ना उनका मूड और मत खराब कर। मैं हूं ना। अब चाहे जो कुछ हो जाए बाबू, अंकल को हंसाएंगे तो हम ही। अंकल जी आप ऐसे उदास मत हो, हमने जो साथ में इंटरव्यू किया ना, एक बार वो टेलीकास्ट हो जाने दो, फिर देखना कैसे आपकी बेटी दौड़ी चली आएगी आपको घर वापस लाने के लिए। काया पूरा जड़ बुद्धि हो काया तू। हाँ स्माइल करिए ना अंकल जी, जैसे मतलब तुम बोल दिए और अंकल जी तब से स्माइल कर देंगे। देखो कैसे हंसते हैं अंकल जी। अंकल जी हमारा नाम ना चीता चतुर्वेदी है, हम ना महिला मनोवैज्ञानिक है। हमारे अंदर का मनोवैज्ञानिक जो है ना वो चीख चीख के कह रहा है, जिस प्रकार से आप अपनी बिटिया को मिस कर रहे हैं ना अंकल जी, सेम वैसे ही वो भी आपको मिस कर रही है। अंकल जी आप सारा टेंशन छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, वो आती ही होंगी, फोन भी कर रही होंगी। चीते, सनी ने भी अभी वही बोला ना। ढंग संतु जी, बोलने का भी ढंग होता है ना, पेश करने का ढंग होता है। हाँ चीते, तो तू ढंग से बोलना। सुन चीते, अगर अंकल को तेरी कही हुई एक भी बात समझ आ गई ना, तो नाम बदल दियो मेरा, शर्त लगा भी। नाम बदल तो बाबू तुम दूसरा नाम सोच लो, सनी चड्डा से ना फनी चड्डा रख लो, कहे कि तुम बाबू नाम तो बदल ही लोगे, हम ही जीतेंगे। अरे संतु जी के बारे में तुम बोलना। अंकल जी, अंकल नहीं, ला ला ला, अच्छा दीदी दीदी निकल 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 भाई, फटाफट ला, ये कांच लग जाएगा ना। अबे साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, अबे ट्राई तो कर, अच्छे से लगा दे। नहीं नहीं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन बदनाम ये कांच ना इस फ्रेम को लगना चाहिए, नहीं तो करिश्मा मैडम हम दोनों का रॉकेट बना देंगे। अच्छा तो बिल्लू जी, किसने कहा था करिश्मा मैडम का चश्मा लेके रजनीकांत की तरह स्टाइल मारने के लिए? नहीं हाँ क्या रे, मैं वो बोर हो रहा था ना इसीलिए। अच्छा तो अब रॉकेट बन के उड़ने के लिए भी तैयार है ना? इसका भी रॉकेट बना के करिश्मा मैडम उड़ा देगी। ऐसा क्यों? करिश्मा मैडम के चश्मे का कांच तो तुझसे टूटा है ना, तो रॉकेट उसे क्यों बनाएगी? हाँ ये कांच तो मुझसे टूटा है इसलिए मेरा तो रॉकेट बन जाएगा। इसने कांच लाया है, ये अगर ढंग से नहीं बैठा तो इसका भी रॉकेट बन जाएगा ना इसीलिए। ना मैडम तू चिंता मत कर, ये कांच ऐसे फ्रेम में फिट कर दूंगा और चुपके से करिश्मा मैडम के टेबल पे ऐसे चश्मा रख दूंगा, तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इनकी कांच मुझसे टूटी है। एक मर्द हो क्या और डरता है? हेलो, हमें मारती है लेकिन हम डरते नहीं है, हम औरत की रिस्पेक्ट करते हैं। अबे बिल्लू, ये आइडिया बुरा नहीं है कि करिश्मा मैडम को हम कह देंगे कि देखिए मैडम हम जो है आपको अल्टरनेट इज्जत देंगे और आप हमको अल्टरनेट मार दोगे, समझते हो ना? तुम मानो या ना मानो, नॉट बैड आइडिया। अच्छा अच्छा, मतलब इज्जत करते हो इस वजह से मार खा लेते हो, डरते वरते नहीं हो? डर और हम, हेलो मैं फौलाद की औलाद हूँ। अच्छा अच्छा बिल्लू बिल्लू बिल्लू, अगर करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये कांच तुमसे टूटा उनके चश्मे का, तो क्या बिल्लू जी को बिल्लू निवास से निकाल देगी और बदनाम की ये चाय की दुकान बंद करवा देगी, है ना? ऐसे कैसे बिल्लू निवास से निकाल देंगे? बिल्लू निवास मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिल्लू निवास से। और क्या किससे डराते हो? अरे एक तो कांच ही टूटा है ना, इसके लिए क्या बिल्लू निवास से निकाल देंगे? करिश्मा मैडम को मैं खुद बताऊंगा, हाँ मैंने ये तोड़ा है कांच, जाओ जो करना है कर लो। हम भी कह देंगे करिश्मा सिंह से कि हम आपसे डरते नहीं है, जो करना कर लो भाई। हमारे बाबूजी का दिया चश्मा तोड़ दोगे और लगा कि हम कुछ नहीं कहेंगे? बाबूजी का चश्मा अभी लगा देते, ये देखो लग गया, दो मिनट का काम है। लगना भाई लगना।
लग गई। दोनों तोड़ दिया। इधर देख। बाबूजी की दोनों आंखों को शांति मिली। अल्टरनेटिव डेज पे रिस्पेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव डेज पे मार खाएंगे, ये तुम बोल रहे थे ना? मजाक कर रहे थे। मजाक था। और ये औलाद की औलाद किसने बोली? ये पगला। नहीं चंपत, औलाद की औलाद? नहीं बाबूजी की फौलाद, नहीं फौलाद के बाबूजी, औलाद की फौलाद के बाबूजी। क्या बोले थे हम? नहीं इकबाल, क्या बोले थे हम? तुम फौलाद की औलाद? हाँ यही बोले थे हम। बोला था। और तुम क्या बोले थे कि हम डरते नहीं है करिश्मा सिंह से, कि हम क्या कर लेंगे तुम्हारा? हाँ, ऐसा ही बोला था ना? इधर डरते नहीं है ये। इधर आओ सामने। आइए आगे आओ। बिल्लू भाई औलाद की औलाद। माफ करना बेटा, बाबूजी का दिया हुआ चश्मा टूट गया। नहीं कोई बात नहीं, टूट गया बन जाएगा दोबारा, लेकिन हमको इस बात का अच्छा लगा कि इस वजह से किसी और के पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप ना ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहिए, और लिखने वाले पे छोड़ दीजिए, कभी कभी कहानियों का अंत अच्छा हो जाता है। आप लोग बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। देखिए घर छूटा है, अच्छे लोगों का साथ नहीं, कोई ना कोई साथ दे देगा। वैसे तो मैं अपना बिल्ली निवास किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पहली बार खुशी होगी कि इस तरह के लोगों के साथ मेरा बिल्ली निवास शेयर हो रहा है, तो आप मेरे साथ रह सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ यार बिल्ले, तुम तो कमाल के आदमी निकले यार। मतलब तुम्हारा दिल कितना साफ है, शक्ल से चाहे तुम जितने बड़े चंडाल दिखो लेकिन इंप्रेस्ड यार। सही बात बोले चीते तुम एकदम। नहीं इरादे तुम्हारे नहीं क्या बिल्ला, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम्हारे साथ जेल में रहेंगे ये? तब आप हमारे साथ चलिए, आपका बढ़िया वाला इंतजाम करते हैं हम रहने का। मैडम एक ऐसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के होते हुए इंतजाम का क्या जरूरत है? नहीं हम अकेले रहते हैं और बाबूजी को मिस भी करते हैं कभी कभी, तो अंकल जी अगर थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ जाने दीजिए ना अंकल जी को। देखिए हम दिल से आपका शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने हमारे लिए किया है, लेकिन यकीन मानिए हम आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम अकेले यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। सुनिए जी, आइए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपकी सेवा में तत्पर। कहिए कोई कंप्लेन लिखवाना है? बोलिए। कंप्लेन लिखवाने नहीं आई हूँ, इसे लेने आई। सब पता चल गया है, बेटी ने घर से निकाल दिया ना? नहीं हमने खुद घर छोड़ा है। एक ही बात है, आज की डेट में घर से तो बेघर हो गया ना। फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, बल्कि हमारा घर भी तो तेरा ही घर है ना। आखिर असली जगह तो तेरी वही है। क्यों बिमला? अम्मा मैं कमला हूँ, ये बिमला है। आप लोग? मैं अम्मा, ये सब मुझे माँ ही जितना प्यार देते हैं इसलिए मुझे अम्मा कहते हैं। अब चल भी, देर हो रही है। एक मिनट, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? क्योंकि ये हम में से एक है, तो ये हमारे साथ नहीं तो और कहाँ जाएगा? यहाँ हमारे साथ? कोशिश तो की थी ना इसने आपके समाज में आपके तरीके से रहने की। बेटी गोद ले ली, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए सब कुछ किया, और जैसे ही उसे पता चला कि ये भी हमारे तरह एक किन्नर है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अम्मा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन कुछ छोटी ओछी सोच की वजह से अब पूरे समाज को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और वैसे भी अब वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग अब समझने और मानने लगे हैं कि आप और हम एक हैं।
इस समाज में आपको हमारे साथ मिलकर एक इज्जत की जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार आपको कानून ने भी दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर इस समाज का क्या? आप बताइए मैडम, मुझे इस समाज ने कभी हमें अपनाया है? नहीं, इसलिए हमें इस तरीके से रहना पड़ता है मैडम। देखिए, हम जानते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको रोज झेलना पड़ता है, आपको रोज इस तरह का भेदभाव देखना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद, इस माहौल में रहने के बावजूद भी कितने किन्नर है जिन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है जिंदगी में। नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ कमाई। अगर वो भी आपकी तरह सोचते अम्मा, तो क्या ये सब कर पाते? नहीं ना, बस ठान लेने की जरूरत होती है। हमें पूरा यकीन है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप और हम एक साथ इस समाज में इज्जत से जिएंगे। ये सब बोलने और सुनने में अच्छा लगता है मैडम, पर सच ये नहीं। सच ये है जो आपके सामने है। जब तक इसकी सच्चाई इसकी बेटी को नहीं पता थी, तब तक ये इंसान सबसे महान इंसान था। जैसे ही उसे पता चला कि ये महान इंसान एक किन्नर है, वैसे ही उसमें कीड़े पड़ गए। और आप बताइए मैडम, जब इसकी सच्चाई पूरी दुनिया जान चुकी है, तो इसको हमारे सिवा कौन अपनाएगा? इसे जाने दो हमारे साथ। रुक जाइए, अगर ये आपके साथ नहीं जाना चाहते तो इनके इस फैसले में हम इनके साथ हैं। ये यहीं रहेंगे इसी समाज में पूरी इज्जत के साथ, और वो इज्जत उन्हें हम दिलाएंगे। ये जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये उनका हक है। हम भी देखते हैं कि आपकी ये झूठी तसल्ली कब तक इसको हकीकत से दूर रखते हैं। आखिरकार इसे हमारे पास तो आना ही होगा। क्यों इमला? अरे बिमला राइट वाली है, कमला वो उधर। चुप चुप ना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। चलो रे। चीती, इनकी बेटी ने इनका सामान निकलवा कर भिजवा दिया। इसका मतलब समझ रही हैं आप संतोष जी? हाँ, अब जब वो नहीं रहेंगे तो वो इनको याद करेगी ना बहुत। मासूमियत। क्या? संतु जी, इसका मतलब ये है ना कि अब वो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। अंकल, एक बात बोले? अंकल, मौसम का बुखार और अपनों का गुस्सा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। हमको ना ऐसा मन में पूरा विश्वास है कि आपकी प्यारी बिटिया रानी जो है ना, उसका कॉल आएगा आपको, और उना अपनी गलती का एहसास कर लेंगी और आपको सॉरी बोल देंगी, और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अंकल, मुझे खुशी देने के लिए आप झूठ मूठ की तसल्ली दे रहे हैं मुझे। देखिए, इतना तो हम भी समझते हैं कि बैग को भेजने का मतलब है कि खुशी अब और मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, दिल से सबका शुक्रिया। अच्छा, आप कहीं नहीं जा रहे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक रहेंगे ऐसे हम यहाँ? जब तक आपकी बेटी को उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वह यहाँ आकर आपसे माफी मांगकर आपको घर वापस नहीं ले जाती। ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? होगा, जरूर होगा। हमारा आपसे वादा है कि आपकी बेटी जरूर आएगी। मैडम सर, ये आपको देखना चाहिए। ये तो किसी फास्ट फूड कंपनी का लेटर है। ये मेरी कंपनी है, युगल फास्ट फूड कंपनी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ शेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो इनविटेशन है किसी फंक्शन का। बेस्ट एम्प्लॉय फॉर 20 इयर्स ऑफ सर्विसेज, आपको अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड तो आज ही है, इनफैक्ट अभी आधे घंटे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। जाने दीजिए मैं। मिस्टर गोपाल, ये इज्जत आपका हक है, आपको जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा अवार्ड लेके? मैं तो बस। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको ये अवार्ड लेने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल खुशी की तरह जिद करवा कर अपनी बात मनवा रही हैं। तो ठीक है ना, समझ लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ, अब मेरी जिद है कि आप जाएंगे यहाँ। हाँ अंकल, प्लीज। हाँ, हम भी चलेंगे।
फंक्शन है तो खाने पीने का इंतजाम तो होगा ही। आज का नाश्ता गोपाल सर के साथ, गोपाल सर के नाम। कैसा जंगली मेमना लग रहा है। आप जाइए मिस्टर गोपाल, तैयार होकर आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए जाइए जाइए, चलिए हम तो तैयार ही है। अरे वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताएंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, कहीं जा रहे हैं? एक कंपनी में ये पिछले 20 सालों से एज अ शेफ काम कर रहे हैं और वो कंपनी इन्हें इनके काम के लिए बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रही है। इनफैक्ट ये जाने से मना कर रहे थे, फिर संतोष ने जिद की तो अब ये जा रहे हैं। हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हम छोड़ देते हैं आपको, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड रुकिए। क्या है ना कि सेफ्टी के लिए रखते हैं हम, क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना वहाँ पर पानी का बड़ा दिक्कत है, तो कभी नहा कर आते हैं, कभी कभी इसको मार कर ही ऐसे काम हो जाता है। तो नहीं संतु जी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार साल भर में एक आधा बार तो। ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम का ऐसे आँख फाड़ के देख रहे हो, सर पीट रहे हो? चीते मैं सोच रहा हूँ, गोपाल सर आप फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको ये चश्मा लगा कर चाहिए, अच्छे दिखेंगे। यस नहीं सॉरी दीदी, लीजिए। शाबाश, क्या बात है अंकल जी, हीरो लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, अब चले ऑफिस। जी जी। हेलो। हाँ पंकज जी, जी जी बस पहुंच रहे हैं फंक्शन में। जी बोलिए ना। जी जी क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप, कि काहे निकाला आपको नौकरी से? जाहिर सी बात है, मेरा सच खुशी को भी रास नहीं आया तो मेरे कंपनी को कहां से रास आता? बताओ, पर आपने 20 साल दिए इस कंपनी को, वो ऐसे कैसे आपको निकाल सकते हैं? अब चलिए हमारे साथ, हम भी देखते हैं आपको वो नौकरी से कैसे निकालते हैं। कौन माइका लाल पैदा हुआ है, हम फोड़ देंगे उनको आज। अब चलिए हमारे साथ, चलिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं करिश्मा सिंह। मैडम सर प्लीज, आज आप हमें मत रोकिए, आज हमारा दिमाग ना एकदम आउट हो गया है। ये नाजायज और गलत काम आप अपनी आंखों के सामने होते देख सकती है लेकिन हम नहीं देख सकते। हम समझाएंगे उनको, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ज्ञान बोधनी है हमारे पास समझाने के लिए। ज्ञान बोधनी? डंडा। ओह, आप अच्छे से जानती हैं कि जोर जबरदस्ती से यह मामला और बिगड़ सकता है, और जो समस्या बात करके हल हो सकती है उसके लिए मारपीट करना और कानून को अपने हाथ में लेना क्या जरूरी है? मैडम सर, बातचीत जरूरतमंद लोगों से की जाती है, गैरतमंद लोग अपना हक छीन लिया करते हैं। यही तो दिक्कत है ना आपकी, सब कुछ आज अभी इसी वक्त, कल के बारे में तो सोचती नहीं है। एक बात बताइए, अभी तो आप जोर जबरदस्ती करके इन्हें इनकी नौकरी वापस दिलवा देंगे, लेकिन आगे जाकर भी इन्हें यही समस्या होने वाली है, तब क्या करेंगी? एक एक को जाकर आप मारेंगी और पीटेंगी? जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, और वो तब होगा जब अंदर जज्बात जगेंगे। फिर से जज्बात? कौन से जज्बात मैडम सर, जो इनकी बेटी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं समझे? इतनी बेरहमी से कोई अपने अंग का सड़ा हुआ हिस्सा भी काट कर नहीं फेंकता है, जितनी बेदर्दी से इनकी बेटी ने इनको अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दिया है। अगर ऐसे अगर जज्बात होते हैं तो फिर हमें इन जज्बातों से दूर रहना है। हम ऐसे ही ठीक है, रूखे सूखे प्रैक्टिकल। आप मत रोकिए ना मैडम सर, हमें आज हमें जाने दीजिए, हम अपने तरीका से सब निपट लेंगे। करिश्मा जी रुकिए रुकिए, बात मान लीजिए उनकी, ठीक कह रहे हैं वो। देखिए मुझे कंपनी में जगह नहीं चाहिए, मुझे उनकी सोच में जगह चाहिए। जो स्थान इज्जत से मिले तो ठीक, नहीं तो डरा कर तो जानवर भी शिकार कर लेते हैं। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। मैंने कहा था एक एक करके सब इसे अकेला छोड़ देंगे और अकेली रह जाएगी तुम। आना तुझे यही है और यही सच है, इस बात को तू अभी मान ले या बाद में, ये तेरी मर्जी। ऐसा तो नहीं होगा अम्मा,
देखते हैं, हम यहीं आसपास हैं। क्यों विमला? हेलो कमला, विमला। अम्मा वो सही बोल रहा है, मैं कमला हूँ, ये विमला है। तुम दोनों एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? चलो यहाँ से। पुष्पा जी, आई मिस यू सो मच पुष्पा जी। आप आ गई हो तो बस गोपाल सर का उनका जॉब वापस दिला दो। तुम क्यों चिंता करते हो, अब हम आ गए हैं ना, निकाल दे कोई दूर की कौड़ी। बस बस आपका ही सहारा है पुष्पा जी। क्या हुआ? क्या दो कौड़ी की चाय बनाई तुमने बदनाम? बड़े दोनों साधु एक जैसे। चाय ना दूध ना चीनी। मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दूध लेता हूं तो चीनी के लिए पैसे नहीं बचते, चीनी लेता हूं तो दूध के लिए पैसे नहीं बचते। पुष्पा जी, धंधा मंदा चल रहा है, अब मंदा है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी करके हमें गोपाल जी की नौकरी लगवानी ही होगी। बिल्लू। हाँ पुष्पा जी। क्या तुम भी वही सोच रहे जो हम सोच रहे? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा वही सोच रहे जो आप सोच रहे हैं। इतना समझदार हो गया मेरे बेटा बिल्लू। तो चले कहाँ? बिरयानी खाने, यही सोच रहे थे ना आप। अबे चुप जड़ बुद्धि। वैसे पुष्पा जी, आप सोच क्या रही है? देखो बदनाम, वैसे तो तुम चाय एकदम वाहियात बनाते हो, मगर तुम इंसान बुरे नहीं हो। देखो तुम एक चाय वाले हो, हाँ, और अगर चाय के साथ साथ तुमने अपने दुकान में फास्ट फूड का भी धंधा अगर शुरू किया तो सोचो क्या होगा। तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, क्या बदनाम, अरे तुम्हारा धंधा दुगना हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। अरे चाय नहीं चली तो फास्ट फूड चलेगा, फास्ट फूड नहीं चलेगा तो चाय चलेगी, और दोनों चले तो फिर दिन। फिर क्या? अरे भाई मुनाफा डबल। अबे बेटा तुमको सच बताए, अबे हमको फास्ट फूड बनाना आता ही नहीं है। अबे गोपाल जी है ना, कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, हाँ? सब लोग जानते हैं। अबे बेटा आइडिया अच्छा है लेकिन। अब लेकिन क्या? मम्मी जान कहती है चाय से बड़ा कोई धंधा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। गुड बाय, खामोश। पुष्पा जी, ये तो हमारा शत्रु निकला। ऑफर देने आई। ऑफर? हाँ, तुम्हें वहां से मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, फिर दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे आके पूछूं कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। मतलब शादी का ऑफर? तुम्हें कोई एतराज नहीं है? हमको काहे एतराज होगा। वाह दोस्त, मान गए, ऐसा प्यार करने वाला इतिहास में नहीं हुआ होगा। शाबाश। इकबाल, तुम्हें मैं कैसी लगती? बहुत अच्छी। अच्छा तो ये एक बात तो कंफर्म है चीते, कि अगर मैं तुम्हें कोई ऑफर दूं तो वो ऐवे ही ऑफर तो होगा नहीं, है ना, उसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। तो सुनो ऑफ। अरे नहीं नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने दुकान के सामने वाली जगह फास्ट फूड कॉर्नर खोलने के लिए देने को तैयार हो क्या? ना मत बोलना, तुमने अभी अभी हाँ बोला एक बार। तो हम तो ऑफर के लिए तैयार है ना। हाँ तो यही तो ऑफर है, अभी जो चीते ने बोला। सत्यानाश हो, क्या सोचा क्या निकला। क्या सोच रहे थे तुम, अब क्या बताएं? अच्छा किसके साथ? हमारे गोपाल जी। इकबाल सोचो, तुम्हारे ये सैलून के सामने उनका फास्ट फूड का स्टॉल होगा, तुम तो रातों रात हिट हो जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं अभी तो हाँ 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 बोल रहे थे तुम। अरे मतलब ये फास्ट फूड वाला आइडिया सही नहीं है, मतलब इधर सैलून उधर फास्ट फूड, कहीं बाल उल उड़ के चला गया तो कस्टमर तो हमारा फास्टली फूड तैयार कर देंगे ना। तो अरे हाँ याद आया, बिरयानी का ऑर्डर लिए थे। मैं दाढ़ी तो रुको ना, आ रहे हैं ना, काम है उधर। सुन सुन इकबाल, बात सुन इकबाल। अरे रहने दीजिए थे, जब अपने ही नहीं माने तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे। आप सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहां तक दो वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। hmm.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.